सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम ऑटोमेटिक रिपेयर लूप प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ताकि आप ऐसी गलती दोबारा ना करो जिससे ये प्रॉब्लम दोबारा आए। इस प्रॉब्लम के आने की रीजन की बात करें तो पहला रीजन है फोर्स शट डाउन, यानी यदि अपने पीसी को बार बार पावर बटन से ऑन या ऑफ करते हो तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा रीजन है बूट फाइल करप्शन, यदि किसी भी वजह से आपके पीसी की बूट की फाइल करप्ट हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा रीजन है रॉन्ग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यदि आप किसी अननोन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और चौथा रीजन है डिलीटेड और मिसिंग सिस्टम फाइल, यानी यदि आपके सिस्टम की फाइल गलती से डिलीट हो जाती है या फिर मिसिंग होती है तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की बात करें तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप स्टार्टअप रिपेयर की सारी प्रॉब्लम को काफी इजिली फिक्स कर सकते हो। यदि ये प्रॉब्लम आपके पीसी में फर्स्ट टाइम आई है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ पे आपको शट डाउन या फिर रिस्टार्ट का बटन मिल जाता है, वहाँ पे आप क्लिक करके देखो। यदि आपकी पीसी नॉर्मली ओपन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को हम एडवांस ऑप्शन से फिक्स करेंगे। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का जो पहला मेथड है वो है विंडोज स्टार्टअप रिपेयर टूल। इसके लिए आपको एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रबल शूट पे क्लिक करोगे यहाँ पे फिर आपको नीचे एडवांस ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करना है। नॉर्मली जो भी प्रॉब्लम होती है आपकी पीसी की, स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करने से वो सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो आप डायग्नोसिंग योर पीसी लिखा हुआ आ रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद बता देगा आपकी पीसी रिपेयर हुई है या नहीं। तो मेरे केस में फिर से वही चीज आ रही है, स्टार्टअप रिपेयर कुड नॉट रिपेयर योर पीसी, यानी मेरी पीसी यहाँ से रिपेयर नहीं हुई है। हम इसे दूसरे मेथड से फिक्स करेंगे। तो दूसरे मेथड की बात करें तो हमारे पास दूसरा मेथड है फिक्स ऑल बूट इशू यूजिंग सीएमडी, यानी कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से हम इसे फिक्स करेंगे। तो इसके लिए आपको एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रबल शूट पे क्लिक करोगे फिर से आपको एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको कमांड प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे कुछ कोड देने होंगे जो मैं आपको बताऊंगा और ये आपको डिस्प्ले पे भी दिख जाएगी और नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे भी जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके इंटर कर सकते हो। तो पहला कमांड जो आपको यहाँ पे देना है वो है बूट रैक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बूट रैक लिखना है। जैसे आप बूट रैक पूरा लिख लोगे आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे स्लैश देना है। उसके बाद लिखना है आपको फिक्स एमबीआर fixmbr। जैसे आप ये पूरा लिख लोगे आपको अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा है द ऑपरेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड देना है वो है बूट रैक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बूट रैक लिखना है। बूट रैक लिखने के बाद आपको फिर से स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे स्लैश देना है। स्लैश देने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है फिक्स बूट। जैसे आप फिक्स बूट लिख लोगे आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस कर लोगे उसके बाद आपको जो थर्ड कमांड देना है वो है बूट रैक। तो फिर से आपको यहाँ पे बूट रैक लिखना है। जैसे आप बूट रैक पूरा लिख लोगे उसके बाद आपको स्पेस देना, देना आपको यहाँ पे स्लैश देना। उसके बाद लिखना स्कैन ओएस। जैसे आप स्कैन ओएस लिख लोगे आपको अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करना। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पूरा स्कैन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये भी लिखा जाएगा द ऑपरेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड देना है chkdske चेक डिस्क। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है chk, उसके बाद dske लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्लैश देके f लिखना है, फिर से आपको स्लैश देना, उसके बाद r लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देके c लिखना है, उसके बाद आपको कॉलम देना है। जैसे आप कॉलम दे दोगे आपको अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करना और आपके सामने ये स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो भी कॉमन प्रॉब्लम होती है पीसी की उसे ये फिक्स कर देता है। आपकी डिस्क पे जो भी इशू होती है, आपकी जो भी फाइल करप्ट होती है वो सारी यहाँ से रिकवर हो जाती है और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाती है। तो इस प्रोसेस को आपको कंप्लीट होने देना, इसे कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगा सकता है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी आपको फिर से नेक्स्ट एंड लास्ट कमांड देना है, वो है एसएफसी स्कैन नाउ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एसएफसी लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देना, देन स्लैश देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है स्कैन नाउ, उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इसका प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है जो कि 100% हो जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी 100% आपका सारा काम हो चुका है यहाँ का, तो आपको सिंपली आपका कमांड से एग्जिट कर लेना है। उसके लिए नीचे आपको एग्जिट लिख देना। जैसे एग्जिट लिखोगे आपको अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे आप कमांड से एग्जिट कर जाओगे। कमांड से एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। यदि आपका विंडोज 11 है आपको विंडोज 11 में कंटिन्यू करना है। यदि आपके पास विंडोज 10 है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने ये कुछ लोडिंग होती है। लोडिंग होने के पास 90% चांसेस है कि आपकी पीसी ऑन हो जाए। यदि आपकी प्रॉब्लम इसके बाद भी फिक्स नहीं हुई है तो आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, जो कि रिपेयर पीसी यूजिंग रिस्टोर पॉइंट, यानी हम रिस्टोर पॉइंट की मदद से अपने पीसी को रिकवर करेंगे। या आपने कभी भी रिस्टोर पॉइंट बनाया होगा या फिर आपका पीसी ऑटोमेटिक बैकअप लिया है तो आप रिस्टोर पॉइंट से अपने पीसी में वापस जा सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रबल शूट पे क्लिक करोगे आपको एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे प्लीज वेट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपको अपना यूजर
आईडी सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। जो भी पीसी पे आप लॉगिन रहोगे उसे सेलेक्ट कर लोगे। जिस हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पीसी का पिन एंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यदि उससे ओपन नहीं होती तो आप जिस भी ईमेल से साइन इन करके रखे होगे पीसी में उस ईमेल का पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना। यदि ये कंटिन्यू हो जाती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में ये भेज देगी, जहाँ पे हमारा सिस्टम रिस्टोर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये रिस्टोर पॉइंट है, जो कि बहुत पुराना है, 2022 में ये बना हुआ रिस्टोर पॉइंट है। इसी की मदद से हम अपने पीसी को रिकवर करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे फिनिश पे क्लिक करोगे यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद आपका जो सिस्टम रिस्टोर है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जैसे ये फिनिश हो जाती है आपका जो सिस्टम वो रिकवर हो जाएगा सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा सिस्टम रिस्टोर सक्सेसफुली। आपको रिस्टार्ट पे क्लिक करना है और आपकी पीसी रिस्टार्ट हो जाएगी। एंड इस मेथड से 102% आपकी पीसी रिकवर हो जाएगी। अगर आपने कभी रिस्टोर पॉइंट नहीं बनाया है या फिर इस मेथड से आपकी पीसी रिकवर नहीं होती है तो आपको नेक्स्ट मेथड को फॉलो करना है, जो कि है फिक्स स्टार्टअप इशू विद सेफ मोड। तो इसके लिए आपको सिंपली ऊपर में जो ट्रबल शूट का ऑप्शन दिख रहा है आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको स्टार्टअप सेटिंग देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मोड यहाँ पे दिए हुए, आपको सिंपली यहाँ से रिस्टार्ट कर लेना। जैसे आप रिस्टार्ट कर लोगे तो आपके सामने यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 नंबर पे दे सकते हो, इनेबल सेफ मोड है। तो आपको अपने कीबोर्ड पे 4 या फिर F4 प्रेस करना। जैसे आप 4 या फिर F4 प्रेस करोगे तो आपकी पीसी रिस्टार्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड वगैरह होगा वो यहाँ पे आप इंटर कर दो। यदि आपका पासवर्ड नहीं रहेगा तो सिंपली ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जो यहाँ पे सबसे पहली चीज करनी है वो यदि आपने कोई भी रिसेंटली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा जिसपे लग रहा है क्या उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो उस सॉफ्टवेयर को सिंपली आपको जाके अनइंस्टॉल कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है अपने पीसी में। जैसे आप इसे ओपन कर लोगे, इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आपकी जो पीसी की स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे जो लोकल डिस्क सी ड्राइव है इस पे आपको राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ये प्रोसेस चलता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है इन सारे ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। ये सारे टेम्पररी एंड जंक फाइल होती है जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना, देना आपको इसे डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करोगे इसका प्रोसेस चलेगा डिलीट का। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाती है आपका ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है एंड फाइल मैनेजर को भी आपको कट कर लेना है। यदि इन सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद भी आपकी पीसी रिपेयर नहीं होती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। इसमें हम अपने पीसी को रीसेट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन मिलेगा, आपको रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कीप माई फाइल मिलेगा और रिमूव एवरीथिंग मिलेगा। आपको कीप माई फाइल पे क्लिक करना है, जैसे सारी फाइल सेफ रहे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे प्लीज वेट कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ये लोड होती है, आपको लोड होने देना है। लोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पे यूजर आईडी सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, आपको यूजर आईडी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने ईमेल का पासवर्ड डाल के देखो, यदि उससे ओपन नहीं होती है तो अपने लैपटॉप का पिन डाल के देखो। उसके बाद वो कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ये कुछ चेकिंग करती है। चेकिंग करने के बाद आपके सामने यहाँ पे क्लाउड डाउनलोड और लोकल रीइंस्टॉल मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लोड होती है और यहाँ पे लिखा है गेटिंग थिंग्स रेडी, आपको थोड़ा वेट करना। उसके बाद आपकी पीसी रिस्टार्ट होती है। रिस्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है और आपकी पीसी सक्सेसफुली रीसेट हो जाती है।